के कार्यालय में स्वागत करता हूं। हमारे नेता माननीय अजीत दादा पवार साहब ने जो महाराष्ट्र के बजट में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना जिसकी घोषणा की थी वो 1 जुलाई से कार्यान्वित हो गई और हर मेरी माता भगिनी जिसकी उम्र 21 साल से 65 साल तक है, जिनका येल्लो रेशन कार्ड है, ऑरेंज रेशन कार्ड है, उन सभी के लिए ये हर महीने 1500 रुपये महाराष्ट्र सरकार की ओर से उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिशियरी के माध्यम से आना है। आपको किसी सरकारी कार्यालय में फिर से फॉर्म भरने के बाद जाने की ज़रूरत नहीं, आपके अकाउंट में डायरेक्ट वो पैसा आने वाला है। और सभी को मैं आश्वासित करता हूँ ये स्कीम चलने वाली है, ये स्कीम कोई बंद होने वाली नहीं। कितनी भी झूठ अफवाह आए कि ये इलेक्शन तक ही है, इलेक्शन के बाद बंद होगी, ये स्कीम चलने वाली है। हर महीना 1500 रुपया अकाउंट में मेरे माता और बहनों के आएगा। जिन्होंने अगस्त में भी फॉर्म भरे उनको जुलाई का पैसा मिल रहा है, जो सितंबर में भी फॉर्म भरेंगे उनको भी जुलाई से पैसा मिलेगा। मतलब ऐसे नहीं है कि अभी एक्सटेंशन होने वाला है, आप फॉर्म सितंबर में भी भरेंगे तो आपको जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का पैसा आएगा। जब ऐसा आप मन में मत लाइए कि अगस्त में भरा है तो अगस्त का ही पैसा आएगा, सितंबर में भरा है। 1 जुलाई से स्कीम चालू हो गई है, सितंबर में भी फॉर्म भरेंगे तो जुलाई अगस्त सितंबर का पैसा आएगा, फिर आपको नवंबर अक्टूबर में अक्टूबर का पैसा आएगा, ये स्कीम चलती रहेगी। 46,000 करोड़ रुपए का प्रावधान माननीय अजीत दादा पवार साहब ने पूरे साल का किया है। मैं ये भी बोलता हूँ कि यहाँ के विधायक आके बोलेंगे कि पैसा नहीं है, शासन के ऊपर लोन हो रहा है, GST के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार का आय इस साल में 78,000 करोड़ रुपया बढ़ने वाली है। उसमें से 46,000 करोड़ रुपया माझी लाड़की बहन योजना के लिए उन्होंने प्रावधान दिया है। 14,000 करोड़ रुपया जो हमारे किसान भाई है 7.5 HP से कम जो पंप यूज़ करते हैं उनको मुफ्त बिजली के लिए 14,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 10,000 करोड़ रुपये जो मेरे युवक अप्रेंटिसशिप करेंगे उनको 10,000 रुपया महीना 10 लाख युवकों को अक्रॉस महाराष्ट्र मिले उसके लिए 10,000 करोड़ का प्रोविजन किया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए गवर्नमेंट के इससे जो लाडली बहन योजना, हमारे CM साहब ने जो लाडली बहन योजना का नियोजन जो किया था उससे भरपूर लोगों को लाभ मिला है। हज़ारों हमारे महिलाओं ने जो है फॉर्म भरे हैं, मैं लाखों की तादाद में तो नहीं बोलूँगी, हज़ारों की तादाद में फॉर्म भरे गए हैं अलग अलग जगह पे। नजीमुल्ला साहब के इससे हमने मुमरा कौसा में जो है जहाँ वहाँ कैंप लगाया था, जहाँ वहाँ हमने महिलाओं को बिठाया था, इससे अलग एक हटके हमारे आंगनवाड़ी सेविकाओं ने और हमारे जो आशा वर्कर है इन्होंने जो काम किया है, मैं उसके लिए उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा महिलाओं को लाभ मिलने में कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब जब सर्वर डाउन रहता था या नेटवर्क नहीं रहता था तो उस वक्त में ये महिलाएं रात को 2 या 3 बजे तक भी अपने घरों से भी इन औरतों ने काम किया है, इसके लिए मैं इनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये किया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं CM साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और हमारे लड़के जो हमारे लीडर है अजीत दादा पवार साहब का, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन स्कीम महिलाओं के लिए खास कर लाई और इसका महिलाओं को लाभ भी मिल रहा है, फ़ायदा भी मिल रहा है। बहुत सारी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं जिनके अकाउंट में पैसे आ गए, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये 1500 रुपये से कम उनके घर के लाइट का बिल, कम से कम उनके घर के जो बाटले हैं, कम से कम जो औरतें घर में रहती हैं जो कुछ नहीं कर सकती बेचारी, कम से कम वो अपने दवा वगैरह के लिए वो पैसा इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैं इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे नजीमुल्ला साहब ने और आनंद प्रांतवे साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि मुमरा कौसा में भी ये योजना चालू की जाए। तो हमारी ऑफिस पर, हफीजा मैडम की ऑफिस पर, जो हमारी ये नजीमुल्ला साहब की जो ये ऑफिस है कौसा जामा मस्जिद के पास, अश्विन मैडम जो देखते हैं, इब्राहिम राउत साहब, उनकी निगरानी में यहाँ पर बहुत सारी हज़ारों महिलाओं ने फॉर्म भरा मुमरा शहर में। अस्सलाम वालेकुम,
हम सब लड़की हम सब महिलाओं को अजीत दादा पवार और सीएम जो मुख्यमंत्री है हमारे, वो हमारे भाई बन गए, हम सबके साथ में खड़े हुए और हर महीना हमारे अकाउंट में 1500 रुपये भेजने वाले हैं। मैं हम सबके तरफ से उनका धन्यवाद करती हूँ और मुझे 3000 रुपये मिल चुके हैं। आपले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सोबतच इब्राहिम भाई नजदीक मुल्ला साहेब आणि अजित दादा पवार यांनी आपल्याला लाडकी बहीण अशी योजना लाभून दिल्यामुळं आम्ही त्यांचे आभारी आहोत। आणि गरीब गरीब लोकांना ही सुविधा लागू झाल्यामुळं गरीब लोकांचा पण उदरव्यवहार थोड्या प्रमाणात का होईना बरा झाला, गरीब लोकांचं यामुळं चांगलं झालं। आशालता पाटील इथे म्हणजे जे अजित दादा पवार नजीब भाई यांनी जे योजना राबवली त्याच्यात इब्राहिम भाईंनी पण खूप मेहनत घेतली इथे राहून आणि खूप कॅम्प लावले, बऱ्याच महिलांचे फॉर्म भरून घेतले आणि भरपूर महिलांना पैसे पण आले आणि ते पैसे बघून एवढ्या खुश झाल्या का आम्ही स्वतःच्या पायावर उभे राहिल्यासारखे। 1500 रुपये असले तरी त्यांना ते अनमोल आहेत 1500 रुपये आणि तेवढे त्यांचे सर्वांचे आभारी आहेत त्या महिला आणि आम्ही पण आभारी आहोत का आम्हाला ते 3000 रुपये मिळाले। धन्यवाद।